कानपुर के व्यापारी मनीष हत्याकांड के 1 लाख के इनामी छठवे और आखिरी अभियुक्त उप निरीक्षक विजय यादव को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को कृष्णा पैलेस थाना रामगढ़ताल अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के संबंध में थाना रामगढ़ताल पर 6 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उप निरीक्षक विजय यादव का नाम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि निरीक्षक जगत नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार मिश्रा, राहुल दुबे, प्रशांत कुमार, कमलेश सिंह यादव की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, लेकिन उप निरीक्षक विजय यादव फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर शनिवार को रेलवे म्यूजियम के पास से विजय यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी ग्राम चित्तौड़ी पोस्ट शराय हरखू थाना बक्सा जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि मनीष हत्याकांड में नामजद सभी 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक विजय कुमार गौड़, जयप्रकाश तिवारी, हेड कांस्टेबल रामचंद्र पटेल, कांस्टेबल सुजीत कुमार यादव, कांस्टेबल कुंदन सिंह, महिला कांस्टेबल कुमारी दिव्या शामिल रहीं।